लौटने के दौरान कांजी हाउस के आसपास ये घटना हुई, बता रहे हैं कैसे हुआ, किसने मारा, क्या कुछ अभी तक जानकारी पता चला? अभी तो जानकारी पता नहीं चला है। कौन सी गाड़ी ने मारा, फोर व्हीलर थी, कौन सी गाड़ी थी, कोई जानकारी? एक्सीडेंट हो गया करके फोन गए घर में तो हम लोग को जानकारी मिली, उसके बाद कुम्हारी थाना आए। तो फोन करने वाले कौन थे, मतलब? तो शीतल यादव, उम्र क्या होगी उनकी? उम्र 24 साल, शीतल यादव। शादी हो चुकी है? शादी हो चुका है, एक बच्चा। मामले में पुलिस क्या जांच करती है, वाहन कौन सी थी, किसकी वाहन थी, और ठोकर मारने के बाद वाहन चालक रुका क्यों नहीं, या किसी ने उसको ठोकर मारते देखा क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। दुर्ग जिले में लगातार तेज रफ्तार का कहर है वो जारी है। दरअसल हम कई सारी एक्सीडेंट की खबरें आपको दिखाते हैं, किस प्रकार से तेज रफ्तार वाहन जो है वो दूसरे वाहन को ठोक के निकल जाता है। मगर कल की जो घटना है, जो कांजी हाउस कुम्हारी के आसपास की घटना है, जहां पर दो शख्स अपने परिजन से मिलने मंदिर हसौत से आते हैं, मंदिर हसौत से आने के बाद मिलकर जब वापस जा रहे होते हैं, तब एक गाड़ी, अज्ञात गाड़ी इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि किस गाड़ी ने ठोका, कब ठोका, कैसे ठोका, इस बात की भी जानकारी नहीं है, और उस गाड़ी को ठोकते हुए किसी ने देखा भी नहीं। अचानक से एक गाड़ी आती है, वो माणिक चंद और शीतल यादव बाइक में सवार जो वापस अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, उन्हें ठोकर मारकर फरार हो जाती है, और उसके बाद तुरंत उन्हें कुम्हारी के पास ही सामुदायिक अस्पताल में ले जाया जाता है, और उसके बाद शीतल यादव जो है वो दम तोड़ देता है और माणिक चंद गंभीर है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर घटना कैसे हुई और उन तक क्या जानकारी पहुंची, किस प्रकार से जानकारी पहुंची। सर आपका नाम? संतोष कुमार यादव। आप शीतल यादव के कौन? चाचा हूँ मैं उसको। कल क्या कुछ हुआ था, अब तक कैसे जानकारी पहुंची? क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया करके फोन गए घर में तो हम लोग को जानकारी मिली, उसके बाद कुम्हारी थाना आए। तो फोन करने वाले कौन थे, मतलब? हमारे दमान थे ना, माणिक चंद जी। तो कल माणिक चंद और शीतल यादव कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो खुटेरी से, वो चरोदा आए थे, भिलाई चरोदा, क्योंकि उसका शीतल को साढ़ू का ससुर जी वो ऑपरेशन करवा उसको देखने के लिए आए थे। अच्छा, एडमिट थे तो उनको देखने के लिए? जी जी। कितने बजे के आसपास आए होंगे वो? घर से निकले हैं 11:30-12 बजे के आसपास। 11:30 जी। फिर वापस कब लौट रहे थे? वो वहाँ से वो सूचना मिला है 5:30 बजे लौट रहे थे। 5:30 बजे लौट रहे थे। लौटने के दौरान कांजी हाउस के आसपास ये घटना हुई, बता रहे हैं कैसे हुआ, किसने मारा, क्या कुछ अभी तक जानकारी पता चला? अभी तो जानकारी पता नहीं चला है। कौन सी गाड़ी ने मारा, फोर व्हीलर थी, कौन सी गाड़ी थी, कोई जानकारी नहीं? अभी जानकारी नहीं मिला है। आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज हो जो आप लोगों ने देखने का प्रयास किया? नहीं है, हम लोग पुलिस वाले से सहयोग लेने की कोशिश किए हैं और उन लोग से मदद मांग रहे हैं क्योंकि देखो ऐसा करके, और अभी तो हम लोग को कोई जानकारी नहीं मिला है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है। क्या काम करते थे शीतल यादव? ये खेती बाड़ी वाले हैं हम लोग, खेती। हाँ, और जो इनके साथ माणिक चंद थे वो भी खेती बाड़ी करते? वो भी खेती बाड़ी हैं। माणिक चंद और शीतल यादव का क्या संबंध था? वो मतलब माणिक चंद शीतल यादव का जीजा है। जीजा है जी। तो शीतल यादव, उम्र क्या होगी उनकी? उम्र 24 साल, शीतल यादव। शादी हो चुकी है? शादी हो चुका है, एक बच्चा। बच्चा छोटे हैं? छोटा 1 साल का है अभी, मतलब अभी हाल फिलहाल में ही शादी हुई है। 1 साल का बच्चे है। तो पुलिस प्रशासन से क्या कहने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, किस प्रकार से जांच चल रही है? नहीं, अब वो पुलिस वाले लोग बोला है क्योंकि अज्ञात वाहन है, हम लोग कैमरा के माध्यम से देखेंगे ऐसा करके। तो इतनी जानकारी परिवार वालों को पता है कि 5:30-5 बजे के आसपास एक हादसा होता है कुम्हारी कांजी हाउस के पास, और वहाँ पर जब शीतल यादव और माणिक चंद बाइक से वापस मंदिर हसौत की ओर जा रहे होते हैं, अपने गाँव की ओर जा रहे होते हैं, तब वहाँ पर कांजी हाउस के पास एक अज्ञात वाहन जो है वो ठोकर मारकर निकल जाती है, जिससे दोनों को गंभीर रूप से चोटें आती है और जिसमें शीतल यादव जो है वो हॉस्पिटल में अपना दम तोड़ देते हैं। अब इस मामले में पुलिस क्या जांच करती है, वाहन कौन सी थी, किसकी वाहन थी, और ठोकर मारने के बाद वाहन चालक रुका क्यों नहीं, या किसी ने उसको ठोकर मारते देखा क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और आसपास लगे कितने सीसीटीवी फुटेज हैं, कितने सीसीटीवी कैमरा है जिससे फुटेज के माध्यम से पुलिस ये पता लगा पाती है, और कब तक पता लगा पाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है बाकी अपडेट के साथ। धन्यवाद।